Hello class, how are you all? I hope you all are doing good. So welcome back once again to your GK class. And today I'm Achal Singh again with you all to start with your GK syllabus. So students, we have already done some of the chapters of the GK and I hope that you understood all of them. Okay, and you are working hard on them also. You are learning them, you are understanding them. Okay, and if you are having any kinds of doubts in all this chapter that we have already done, so kindly you can ask me at any time. Clear? So shall we begin our next with the next chapter? Yes. Okay, so class, kindly open your books at page number 66, that is the water cycle. The name of the chapter is the water cycle. So open your book at page number 66, the water cycle. So I'm just writing down the page. The name of the chapter is the water cycle. So name of the chapter is the water cycle and the page number is 66. Okay. कभी आपने सुना है व्हाट इज वॉटर साइकिल? वॉटर साइकिल क्या है? कि वॉटर साइकिल जिसके बारे में हम बात करें, व्हाट इज दैट? जो हम बात करें द वॉटर साइकिल, पानी का साइकिल. ओके, सो इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी कि जैसे जो पानी है, जो बारिश है, वो कैसे, ये जो पानी है हमारी ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, उसका कैसे एक साइकिल चलता है हमारे नेचर में. ओके, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे, द वॉटर साइकिल. ओके, आपको पता है साइकिल कैसे चलता है? गोल गोल. उसका कोई एंडिंग पॉइंट है? इज देयर एनी पॉइंट ऑफ सर्कल का कोई एंडिंग पॉइंट है? नो. सो दैट मीन्स द शेप ऑफ द साइकिल इज इन सर्कुलर शेप. ओके, सो सेम लाइक दैट देयर इज अ साइकिल फॉर द वॉटर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे. ओके, सो आई विल जस्ट टेल यू विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल. क्लियर? सो लेट मी जस्ट मेक द डायग्राम फर्स्ट, लाइक दिस फर्स्ट एंड देन सेकेंड वन, देन द थर्ड वन एंड द फोर्थ. दिस इज द साइकिल. और ये साइकिल कैसे चलता है? ये यहां से स्टार्ट होके इसके पास जाता है एंड देन इट कम्स टू इट एंड आफ्टर दैट इट कम्स टू इट एंड अगेन इट कम्स बैक टू इट. सो ऐसे ये साइकिल है जो चलता रहता है. इट कीप्स ऑन मूविंग लाइक दिस. ओके, सो दिस इज द वॉटर साइकिल वी आर टॉकिंग अबाउट. दैट देखिए, इसका कोई एंड पॉइंट है? यहां से स्टार्ट किया, ये चलता रहा, चलता रहा, ये चलता ही रहता है. दैट डजंट एंड एट एनी पॉइंट. ओके, सो दिस इज द साइकिल एंड अभी कैसे काम करता है, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ. ओके, द फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस वॉटर साइकिल इज इवेपोरेशन. द फर्स्ट स्टेप इज इवेपोरेशन. इवेपोरेशन, व्हाट इज इवेपोरेशन? ओके, आपने इवेपोरेशन अपनी लाइफ में बहुत बार देखी होगी. ओके, आपने कभी चाय बनाई है या इफ यू हैव सीन अ बॉइलिंग वॉटर और बॉइलिंग मिल्क? ओके, तो उसमें से आप देखते हैं ना जो भाप, जिसको हम भाप बोलते हैं, वो निकलती है. दैट इज इवेपोरेशन. सो दैट मीन्स जो उसमें लिक्विड है वो इवेपोरेट होके भाप होके ऊपर जा रहा है. दैट इज इवेपोरेशन. ओके, सो सेम इज लाइक दिस. जो वॉटर है वो इवेपोरेट होके, मतलब जो पानी, जैसे कभी बारिश होती है तो नदियों का पानी, समुद्र का पानी, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, मतलब ऑल द सोर्सेस जहां पे पानी है, दैट इवेपोरेट, वो इवेपोरेट होता है विद द हीट ऑफ द सन. जब वो पानी की जो सर जो सूरज की रोशनी से जब वो हीट होता है, सो व्हाट इट हैपेंस, पानी जब गर्म होता है तो दैट इवेपोरेट, इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ वॉटर वेपर, जिसको हम भाप बोलते हैं. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ वॉटर वेपर और वो चला जाता है ऊपर. ओके, सो दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन. इवेपोरेशन मीन्स, लेट्स स्टडी फ्रॉम हियर ऑल्सो. बाय इवेपोरेशन, वॉटर इन द लिक्विड स्टेट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज ट्रांसफर टू अ गैसियस स्टेट. इवेपोरेशन कैन अकर फ्रॉम ओशियन, सॉइल, स्नो, रिवर, स्ट्रीम्स एंड लीव्स. ओके, सो देखिए इवेपोरेशन क्या होता है. जो पानी है वो अपनी लिक्विड फॉर्म से गैसियस फॉर्म में आ सकता है. इट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ गैसियस, मतलब जो वॉटर वेपर की फॉर्म होती है, दैट इज द गैसियस फॉर्म ऑफ द वॉटर. ओके, सो क्या होता है बेटा कि वो उस गैसियस फॉर्म में आता है, देन वॉट हैपन्स कि फिर वो पानी सारा कहां जाता है? जो पानी वेपोरेट होता है वो कहां से आता है? डेट कम्स फ्रॉम द ओशियंस, रिवर्स, सी, पॉन्ड्स, लेक्स, स्ट्रीम्स, लीव्स, मतलब जो भी, मतलब जो ऑल द सोर्सेज ऑफ वाटर जो है, दैट कम्स फ्रॉम देयर ऑल्सो.
ओके जैसे हम कह रहे कि अगर हम किसी फील्ड की बात करें, किसी खेत की बात करें, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि ये चावल धान जिसको हम बोलते हैं, जो धान की फसल बहुत होती है, देख रहे हो ना कितना सारा पानी खेतों में लगा हुआ है। ओके सो जब वो भी पानी जब सूख जाता है कुछ तो हमारी सॉइल में चला जाता है, सम ऑफ इट इवेपोरेट्स ऑल्सो। तो मतलब अलग अलग सोर्सेस कहीं पे भी जो पानी है जो सूखता है, सम ऑफ इट्स पोर्शन गोज टू जस्ट इवेपोरेट्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। क्लियर? नेक्स्ट, जब वो इवेपोरेशन हो जाती है और वो पानी है वो कहाँ चला जाता है, दैट गोज इन टू द स्काई, वो स्काई में चला जाता है एंड द ओके, और वहां जाके वो पानी की फॉर्म में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन? कंडेंसेशन का मीनिंग बेटा ये है कि जो पानी है जब वो वाटर वेपर बन के चला जाता है ऊपर, तो ऊपर जाके जब वो ठंडा होता है, जब वो गर्म पानी से जो भाप बनी होती है, दैट जस्ट कूल्स डाउन, देन व्हाट हैपेंस, वो एक ड्यू ड्रॉप्स जो है ओस की तरह ये पानी की शेप में वापिस आ जाता है। ओके जब वो ठंडा होता है पानी, दैट ऑलवेज दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ ड्यू ड्रॉप्स। आपने कभी देखा होगा या आज मतलब कभी ट्राई करना, जैसे मम्मी दूध उबालेंगी या पानी उबलता है, देन पुट अ प्लेट ऑन इट। ओके प्लेट रखिए एंड व्हेन दैट व्हेन यू विल रिमूव दैट प्लेट आफ्टर 10 मिनट 15 मिनट्स आप ओके तो आपको दिखेगा उसमें से कुछ कुछ पानी है जो गिरता है। ओके जब भी मम्मी जस्ट फॉरगेट अबाउट द बॉइलिंग मिल्क एंड वाटर, जस्ट टेक अ लाइव एग्जांपल, मम्मी जब सब्जी बनाएंगी कढ़ाई में, ये लुक डाउन, जब मम्मा उसको ढकती हैं तो उसमें से जो भाप है निकलती है एंड वो एक जब उसको आप ढक्कन हटाते हैं तो उसमें से भाप निकलती है, तो कुछ जो पानी की बूंदे है वो जो उस ढक्कन के अंदर रह जाती है, उस ढक्कन के नीचे यहां से टप टप गिरती है, सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन ओके, कंडेंसेशन इज द ट्रांसिशन ऑफ वाटर फ्रॉम द गैस स्टेट टू द लिक्विड स्टेट, व्हेन एयर कैन नो लॉन्गर होल्ड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर, इट कंटेन्स द वाटर, रिटर्न टू अ लिक्विड स्टेट एंड फॉल्स एज प्रेसिपिटेशन। ओके जब कहते हैं जब वो पानी है, जब वो वाटर, पहले देखिए वो लिक्विड फॉर्म में था, वो गैसेस फॉर्म में हुआ, जब वो गैसेस फॉर्म में हो गया, देन इट अगेन कम्स टू द लिक्विड फॉर्म, फिर वो दोबारा लिक्विड शेप में आ गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर। ओके और जब वो पानी है लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो वो अब वापिस धरती पे कैसे आता है, दैट इट कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, रेन स्नो हिल्स, जो ये सब पानी बारिश आती है ना, वो जब जो पानी इवेपोरेट होके दैट गोज इन टू द स्काई एंड व्हेनेवर व्हेन इट कूल्स डाउन इट अगेन फॉर्म्स इन द इट अगेन कम्स इन बैक इन टू द लिक्विड स्टेट एंड देयर इट कम्स बैक टू द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन। वी कॉल इट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन PRECIPITION precipitation, okay? The precipitation on earth occurs in the form of rain, snow, sleet and so on, okay? So, वो precipitation की form में, जिसको हम precipitation में हम सब कुछ include करेंगे, बारिश जो आती है, rain मतलब बारिश आती है, snow होती है, hills आते हैं, fleets आते हैं, all things, we include all these things, so that comes in the form of precipitation back on the earth, okay? तो उसके बाद क्या होता है, the next precession is अगेन जो वो पानी है, देन अगेन दैट वाटर, जब वो पानी जमीन पे वापस आ जाता है, नदियों में, नालों में, पहाड़ों में, खेतों में, सड़कों पे, आप देखते हो कुछ टाइम के बाद फिर वो पानी वहां से सूख जाता है, दैट्स हाउ सम ऑफ इट गोज टू द स्काई इन द सॉइल, वाज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉइल एंड सम गोज टू बैक टू द बैक इन टू द स्काई इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। सो इन दैट दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन, इन फिल infiltration. So let's read about it from here. Precipitation that falls on earth is reused. Some reaches the sea, ocean directly as the surface runoff. Some infiltrates the ground as groundwater and eventually reaches the sea. Okay. So क्या होता है कि देखिए अब मैं आपको इस प्रोसेस को इजी समझाती हूँ। देखिए द लास्ट स्टेप इज ए फोर्थ वन सॉरी थर्ड वन इज प्रेसिपिटेशन एंड द फोर्थ वन वाज इनफिल्ट्रेशन एंड देन अगेन इट कम्स टू। अब देखिए मैं आपको प्रॉपरली समझिए। देखिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल नदी नालों पहाड़ों मतलब
on the seas and ocean, the water is there, and when it heats with the heat of the sun, when it heats out, the water in the sea, lakes, oceans, ponds, it starts evaporating. And when it evaporates, that goes into the sky, into the clouds, okay, and that process is called condensation. Okay, when it evaporates, it goes, and वहां पे जब कहते हैं जब पहुंच के दोबारा ठंडे होते हैं, जब पानी दोबारा ठंडा हो जाता है, जो वाटर वेपर है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. एंड देन जब वो पानी ठंडा हो जाता है तो वो वापस धरती पे आता है इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन, इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन. ओके, और फिर जो वापस धरती पे आ जाता है, देन अगेन जो कुछ पानी है वो नदी नालों में जाता है, कुछ है जो पानी जो सॉइल में चला जाता है धरती पे, मतलब हम सड़कों पे कहते हैं या हमारे घर में गार्डन में कहते हैं, दैट इज इनफिल्ट्रेशन. इनफिल्ट्रेशन मीन्स दैट जब वो पानी धरती पे आता है, मतलब अगर नदी नालों में आ गया दैट इज ओके, बट जैसे आपकी सड़क पे आया तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है, सॉइल कर लेती है, कुछ पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है, दैट इज द ग्राउंड वाटर. बट अल्टीमेटली जो आपको पता है धरती के नीचे क्या है, हर तरफ पानी है. आप जो धरती है हमारी, उसके नीचे क्या है, पानी ही पानी है. सो अगेन जो जब वो सॉइल या जो ग्राउंड है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है वाटर को, तो अगेन वापस वो पानी जो नीचे पानी है, जो सी की फॉर्म में, ओशंस की फॉर्म में मौजूद है, या रिवर्स की फॉर्म में है हमारी अर्थ के नीचे, दैट अगेन गोज डायरेक्टली टू द रिवर्स एंड द लेक्स एंड द ओशंस. ओके, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्फिल्ट्रेशन. ओके, एंड आफ्टर देन अगेन जब वो नीचे चला जाता है, फिर दोबारा वो इवेपोरेशन होती है उसकी, और वो ऊपर जाके फिर कंडेंस होता है, मतलब अगेन फिर वो बारिश के फॉर्म में नीचे आता है, फिर कुछ पानी है जो नदी नालों में चला जाता है, एंड सम गोज टू द ग्राउंड वाटर, एंड अल्टीमेटली रीचेस टू द सीज एंड ओशियंस, एंड देन अगेन. सो दिस साइकल्स मूव्स ऑन, कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग. सो दिस इज द वॉटर साइकिल, वॉट वी कॉल इट, वी कॉल इट वॉटर साइकिल. जो पानी है इसका साइकिल है जो चलता ही रहता है, दैट कीप्स ऑन मूविंग. दिस इज द वॉटर साइकिल. ओके, सो आपको इसमें से कैसी क्वेश्चन पुट ऑन हो सकते हैं बेटा, इट कैन कम दैट वॉट इज इवेपोरेशन, वॉट इज इन्फिल्ट्रेशन, वॉट इज प्रेसिपिटेशन, एंड वॉट इज कंडेंसेशन. ऑल दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी पुट ड्यूरिंग एग्जाम फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, सो यू हैव टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ ऑल फोर दीज फोर थिंग्स, दैट इज इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, एंड द लास्ट वन इज इन्फिल्ट्रेशन. So you have to learn the examples and plus the definition of all these four things. Clear? So this was our one chapter. This was one of our chapters, the water cycle. That was at page number 66. I hope you understood all the points that I have discussed here with you all. Okay. So moving next to the next chapter of the of your syllabus, that is page number 18. So everybody, kindly open your books at page number 18. Okay, so I'll just erase it fast so that we can start with our next chapter, that is page number 18. Okay, so the name of the chapter is Magically Speaking, Magically Speaking, page number 18. So I'll just write down the name of the chapter, that is Magically, MEDICALLY, Magically Speaking, SPEAKI, and Medically Speaking, page number 18. So now we are going to discuss about some of the medical terms or medical instruments today. In this chapter, we are going to discuss about some of the medical instruments जो आपने भी लाइफ में देखे होंगे, but maybe possible आपको उनके names नहीं पता हो, या हो सकता है आपको आपने देखी भी ना हो और आपको पता भी ना हो कि ये क्या, इसका क्या यूज होता है. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द मेडिकल. ओके, मेडिसिन लाइन से जो रिलेटेड है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम. सो आर यू रेडी फॉर दिस? सो एवरीबडी काइंडली ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 18, दैट इज मेडिकली स्पीकिंग. ओके, सो शैल वी बिगिन विद इट? ओके, लेट्स फाइंड आउट. Noi's friend Jan is unwell and Noi has gone to visit him in the hospital. Okay, help Noi and identify the medical instruments used by the doctor to find out what is wrong with the Jan. Use the clues and the pictures given below to write their names. Okay, so isme kya hai, ye Noi hai and his friend Jan is not well, and the doctors has scanned him with the various medical devices.
So now by using seeing the pictures, we have to identify what is the name of all these instruments, medical instruments. Clear? So let's begin with it. The first one is, it is a machine that produces a beam of radiation to create an image of the inside of the body. Okay, ये तो I think सबने देखा होगा. Okay, देखिए हम जिस मशीन की बात कर रहे हैं, that is an X-ray machine. So the answer of the first question is X-ray machine. That this X-ray machine. So write first of all write down the answer, then I'll tell you the detail about this machine. Okay, so write down the first answer, that is X-ray machine. MACHINE. X-ray machine. What is the use of this X-ray machine? ये एक्सरे मशीन क्या होती है बेटा, आपने देखा भी होगा. वेन एवर देर इज अ प्रॉब्लम विद योर बोन्स स्पेशली, सो दिस एक्सरे मशीन नॉट ओनली द बोन्स, मतलब अगर आपकी बॉडी के अंदर, मतलब इनसाइड द बॉडी, मतलब बिलो दिस स्किन एंड बिलो दिस बोन, मतलब बिलो दिस स्किन एक्चुअली, इफ द डॉक्टर वॉन्ट्स टू स्कैन समथिंग, उनको लगता है कि कुछ इनकी बॉडी में है जो प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है, दे गिव अस अ चेकअप फॉर द विद द एक्सरे मशीन. सो वो एक्सरे मशीन क्या करती है बेटा, इट इज अ वेरी ह्यूज मशीन एंड सपोज यू हैव टू एक्सरे मेक अ एक्सरे ऑफ योर स्टमक और चेस्ट, यू विल जस्ट ले डाउन ऑन अ बेड. ओके, उसके ऊपर एक मशीन होती है इन दिस फॉर्म एंड वो आपकी जो रेज है उसमें से एक एक्सरेज निकलती है दैट कैन स्टडी द इंटरनल पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑल्सो, मतलब वो आपकी बॉडी के इंटरनल पिक्चर, मतलब हमारे एक हम अभी फोटो खींचेंगे तो हमारी इसी बॉडी की पिक्चर आएगी, फेस एंड मसल्स एंड आईज एंड ऑल थिंग. ओके, बट दैट एक्सरे मशीन व्हाट इट डज, इट क्लिक्स द पिक्चर ऑफ इंटरनल ऑफ योर बॉडी, मतलब वो आपकी बॉडी के अंदर की पिक्चर क्लिक आउट करती है, दैट लाइक द इफ द बोन्स इज बोन्स एंड इंटरनल ऑर्गेन्स और समथिंग, जो भी अदर देन आपको उनको लगता है कि मतलब जिस भी पर्टिकुलर पार्ट के हमें एक्सरे करवाना है, नॉट पॉसिबल दैट ऑलवेज वो चेस्ट या स्टमक या कोई हाथ ही होगा, इट कैन बी ऑफ एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी. सो दिस मशीन इज यूज, ओके, ये एक बीम ऑफ रेडिएशन, मतलब इस मशीन से एक रेडिएशन प्रोड्यूस होती है. ओके, एंड दैट कैन क्लिक्स द इनसाइड पिक्चर ऑफ योर बॉडी, जो आपके बॉडी के अंदर की पिक्चर, दिस कैन बी क्लिक्ड बाय यूजिंग दिस मशीन. सो द नेम ऑफ द मशीन इज एक्स देन रे, आर ए वाई रे मशीन, MACHINE, एक्सरे मशीन. Clear? So this machine clicks the picture of the internally of your body. Okay, and this the rays come out from that machine, that is radiation. Okay, that वो use होती है हमारी body के internal pictures को click करने के लिए. So the name of the machine is X-ray machine. So is it clear? So now moving next to the second one. It uses sound waves to produce an image onto the screen that shows the internal, sorry, shows the inside of your body. Okay, okay. So this is then the answer of this question is ultrasound machine. The answer is ultrasound machine. So write down the second answer, that is ultra, ULTRA, ultra sound, SOUND, sound machine, MACHINE, अल्ट्रासाउंड मशीन. वट इज द मीनिंग ऑफ दिस अल्ट्रासाउंड मशीन, और इसका क्या यूज है बेटा. दिस अल्ट्रासाउंड मशीन, ये जो आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की जो साउंड प्रोड्यूस होती है, दैट कैन बी, और किसी भी तरह की साउंड वेव्स या कुछ भी प्रोड्यूस होती है, दैट कैन बी प्रोड्यूस इन टू इमेज, ये एक फोटो के फॉर्म में शो कर देती है दिस अल्ट्रासाउंड मशीन. ओके, सो दिस इट यूजेस साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन टू द स्क्रीन दैट शोज द इनसाइड ऑफ योर बॉडी. तो ये आपकी बॉडी के जो अंदर की जो साउंड वेव्स होती है उसको डायग्नोज करके उसको एक पिक्चर फॉर्म में, एक इमेज फॉर्म में ले आती है. ओके, एंड बताती है कि व्हाट्स रॉन्ग विद दिस, सपोज देयर इज अ स्कैन ऑफ योर हार्ट बीट. ओके, वो एक पिक्चर फॉर्म में हार्ट बीट की शेप्स ले आती है, देखते ना वो ऐसे ऐसे बना होता है, सो दैट इज अ पिक्चर फॉर्म ऑफ द हार्ट बीट. ओके, सो दैट इज यूज्ड कि मतलब इज इट वर्किंग, द हार्ट बीट इज वेरी लो, हार्ट बीट इज वेरी फास्ट, और व्हाटएवर इज इट नॉर्मल. ओके,
So this ultrasound machine, what it does, that that is used to listen the is internal sound waves of your body in the form of image. Okay, it can produce or it can create the picture of the internal sound or waves that are already producing in your bodies. आपकी body के अंदर जो भी sounds या waves, sound waves जो आ रही हैं, उसको एक picture form में this ultrasound machine can convert it. Okay, so this is an ultrasound machine. The spelling is ULTRA, ultra. First of all, divided into parts. Ultrasound, SOUND, sound. Machine, MACHINE, machine. Ultrasound machine. Clear? Third one. It is a medical instrument that is used to listen to the sounds produced within the body, chiefly in the heart and the lungs. ओके आपने देखा होगा डॉक्टर्स अपने गले में एक पहन के घूमते हैं एंड व्हेन देयर इज अ कंजेशन और मतलब जब भी हम डॉक्टर्स को विजिट करने जाते हैं दे ये जस्ट पुट इट इनटू इयर्स एंड फिर आपके वो चेस्ट पे या आपकी बैक पे वो टच करके सुनते हैं व्हाट डू वी कॉल दैट स्टेथोस्कोप वी कॉल इट स्टेथोस्कोप सो राइट डाउन द स्पेलिंग ऑफ द स्टेथोस्कोप फर्स्ट ओके द स्पेलिंग इज The spelling of this is stethoscope. S T E T H O S C O P E. Stethoscope. Stetho. First of stethoscope. So divide again. Divide the words into three parts. Steth. S T E. Stetho. T H O T H O. Scope. S C O P E. Scope. स्टेथोस्कोप वट इज इट वट डज इट स्टेथोस्कोप ये जो स्टेथोस्कोप है ये क्या करता है बेटा दिस स्टेथोस्कोप आपने देखा है जैसे जब वेन यू विजिट टू अ डॉक्टर दे जस्ट कीप एन इंस्ट्रूमेंट अराउंड देयर नेक वो एक नेक के अराउंड एक वो रखते हैं एंड वेन एवर दे चेक यू दैट यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम इन दैट योर चेस्ट और कभी भी किसी भी आई डोंट नो कि वो दे मतलब वो किस लिए यूज होती है सॉरी ये किस किस प्रॉब्लम्स या डिजीज को डायग्नोज करने के लिए यूज होती है बट आई एम जस्ट टेलिंग यू इन माय केस सपोज आई एम फीलिंग सम कंजेशन इन योर बॉडी एंड द कंजेशन ऑकर्स ड्यू टू कफ एंड कोल्ड सो व्हाट दे डू दे जस्ट पुट देयर दैट स्टेथोस्कोप इन द ईयर्स और जो उसका वो गोल वाला पार्ट होता है दे जस्ट कीप योर न्यू ऑन द चेस्ट और ऑन द बैक तो वो उसे पता लगाते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ द कंजेशन इन योर बॉडी तो ये स्पेशली जो ये स्टेथोस्कोप है दिस इज स्पेशली यूज टू हियर द साउंड होती है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती हैं, स्पेशली ऑफ हार्ट एंड लंग्स जो हमारे हार्ट और हमारे लंग्स के अंदर जो वेव्स या जो साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं, दैट कैन बी इजिली हर्ड यूजिंग दिस स्टेथोस्कोप ओके द हार्ट बीट इज फास्ट द डॉक्टर कैन लिसन दैट ऑल्सो इफ द लंग मतलब लंग्स वगैरह मतलब at the sound produced in our body that can be heard easily with the help of this stethoscope okay so this stethoscope that is kept by the doctors around their necks okay say they whenever they use it they just find out the heartbeat they specially use this device for checking the heartbeats and the lungs of the patients okay and the name of this device is stethoscope So the spelling is S T E S T E. First of all, divide this word into three parts. Stethoscope. Stethoscope. Spelling of ste. S T E S T E. Tho. T H O tho. Scope. S C O P E. Scope. So this is stethoscope. Clear? So moving next to the fourth one. It is a device that is used to check the patient's blood pressure. Okay, the device that is used to check the blood pressure of the patient. What we call it? We call it. It is a very big name. We call it sphygmomanometer. 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 M double time M and then N
Spigmo manometer. Okay, so write down the spelling first. The spelling of this is Spigmo. S P H Y G M O M A N O M E T E R. Spigmomanometer. ओके तो आपको ये सारा स्पेलिंग खुद लर्न करना पड़ेगा बेटा. मैंने आपको हमेशा बोला है इफ यू वॉन्ट टू लर्न द स्पेलिंग्स जस्ट डिवाइड इट इन टू द पार्ट्स एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द प्रॉपर प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड. टिल यू डोंट नो द प्रॉपर प्रोनंसिएशन ऑफ द वर्ड यू विल नॉट बी एबल टू लर्न द करेक्ट स्पेलिंग्स. ओके किसी भी वर्ड को लर्न करने से पहले सबसे पहले तो उसके करेक्ट प्रोनंसिएशन सीखिए एंड देन उसको इसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करिए एंड देन यू कैन इजिली लर्न द स्पेलिंग्स. Okay, so the pronunciation of this word is spigmomanometer. So start of the spelling of spig, S P H Y G. Spig, S P H Y G. Spig, mo, M O mo, no, N O no, meter, M E T E R. Spigmomanometer. Spigmomanometer. Meter. So the answer is spigmomanometer. Okay. So what does this spigmomanometer do? This takes the blood pressure. मतलब अगर कोई blood pressure का मरीज आप देखते हैं, वो एक they just put a क्लोथ सम काइंड ऑफ क्लोथ है और उसके अंदर से टू पाइप्स निकलती है. ओके एंड देन वो जब आपके हैंड पे बांधते हैं स्पेशली ऑन दिस पार्ट ऑफ योर बॉडी ऑन द biceps, they usually that device on the biceps, so they just round it off here during your near on the biceps of the body and after that they press a green color, वो एक ball की shape में होता है, not in the ball, in the oval shape actually, a green color device and then just they press it and when they press it तो आपको एक यहाँ पे feel होगा कि आपकी जो ये biceps है वो मतलब उनको कोई चीज है बहुत जोर से जकड़ रही है एंड उसको बहुत जोर से लगता है बहुत टाइट किसी चीज ने उसको पकड़ लिया है एंड आफ्टर देन दे रिलीज द गैस और जो उनका प्रेशर है तो वो रिलीज करते हैं. सो वो धीरे धीरे जब उनका जो उसमें एक मरकरी होती है वो धीरे धीरे नीचे आती है. सो जब वो जब मरकरी धीरे धीरे नीचे आती है बेटा तो जब वो साथ में वो आपने देखा है कि वो साथ में स्टेथोस्कोप भी लगाते हैं और वो आपको यहाँ पे रखते हैं. ओके इन दिस पार्ट ऑफ द बॉडी दे कीप द स्टेथोस्कोप. तो इस स्टेथोस्कोप से वो क्या करते हैं और साथ साथ जब उसको प्रेशर रिलीज करते हैं सो दे चेक द प्रेशर ऑफ योर बॉडी. तो जो मरकरी जब धीरे धीरे नीचे आती जो नंबर्स लिखे होते हैं तो एक पॉइंट पे आके उसमें से आपको हल्की सी हार्ट बीट की आवाज सुनाई देती है. उसमें अगर आपका बीट आपके पास है सो जस्ट ट्राई इट. तो उसमें से हार्ट बीट की आवाज आनी शुरू हो जाती है. ओके टक 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 जैसे हमारी हार्ट बीट की आवाज होती है वो एक शुरू हो जाएगी एंड एक और एक पॉइंट पे आके वो शुरू होगी और एक पॉइंट पे आके वो खत्म सुननी बंद हो जाएगी. सो द पॉइंट दैट स्टार्ट फॉर्म दैट इज योर बीपी. मतलब जहां मतलब सपोज द एक्चुअल द बीपी द नॉर्मल बीपी इज 120/80. ओके तो स्पेशली जैसे एक नॉर्मल पर्सन है तो उसकी वो जो है 120 पे स्टार्ट हो जाएगी हार्ट बीट एंड इट क्लोजेज एट बाय 80 और 70. क्लियर. सो दिस डिवाइस इज यूज टू चेक द ब्लड प्रेशर ऑफ द पेशेंट. क्लियर. सो द नेक्स्ट वन इज इट इज लाइक अ जॉइंट कैमरा दैट प्रोड्यूस अ फिल्म विच अलाउज डॉक्टर टू सी द बोन्स इन योर बॉडी. ओके सो ये जो मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं ये है ये आपकी जो बोन्स है आपकी हमारी बॉडी की जो बोन्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी पिक्चर जो प्रोड्यूस करता है ताकि जो डॉक्टर है दे कैन सी द बोन्स ऑफ योर बॉडी. इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग योर बोन्स और विद योर बोन्स देन दिस डिवाइस इज यूज टू प्रोड्यूस अ फिल्म ऑफ योर बोन्स ऑफ द बोन्स ऑफ योर बॉडी विच एवर इज हर्ट और विच एवर इज हैविंग अ प्रॉब्लम. सो दिस इज कॉल्ड सिटी स्कैनर. सो वी कॉल इट एज सिटी स्कैनर. सो द आंसर ऑफ योर फिफ्थ ब्लैंक इज सिटी स्कैनर. एस सी ए डबल एन ई आर सिटी स्कैनर. सो द आंसर इज सिटी स्कैनर. क्लियर. सी टी एस सी ए डबल एन ई आर सिटी स्कैनर. ओके सो दिस वॉज योर पेज नंबर 18.
Okay, so the answer first is X-ray machine, then ultrasound machine, then stethoscope, then sphygmo manometer, and the last one is CT scanner. Okay, class. So this was your today's session, and tomorrow I'll see you again. On the next class I'll see you again with some more chapters. Until then, everybody, kindly just watch the videos and make sure you do all your work on time. Okay, class. So till then, everybody, just work hard and have a good day.